अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहे खुशबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो देखें कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलता है और उसको ये भी शर्म नहीं आती कि मैं अभी अभी किस प्यारी मुकद्दस जगह से होकर आया हूँ। लोग जाते हैं वहाँ पे, पैसों से नहीं जाते, किस्मत से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके भी जो लोग अदायत ना पा सके उन इंसानों के लिए आप लोग क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है। ये गया है नवाज इंगल लोगों के घर, इसके अलावा पहली बार वो औरत गई है और वो औरत उधर कोई नहीं है। मैं सारी बातें आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी, फिर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखकर मुझे बेशक जो मर्जी कमेंट करें उस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि ये बंदे जिस प्यारी मुकद्दस जगह से होकर आए इन्होंने बिल्कुल हदायत नहीं पाई है, बल्कि जिन्होंने और ही झूठ बोलने शुरू कर दिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को और के ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों के सामने इसकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है, लोगों ने कितनी बातें सुनाई हैं, क्योंकि जो लोग खुद अपने रिश्तों से प्यार करते हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि रिश्ते क्या चीज़ हैं, लेकिन इन जैसे इंसानों के लिए रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अगर होती वहाँ शादी और शादी पर इन लोगों को झूठे मुँह को इन्वाइट करता, आप देखते हैं कि ये सर के बल वहाँ पे जाते हैं। इन लोगों को कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कोई महंगाई बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जो है कि इसका भाई चला गया है, बहन का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों ने देखा है कि बहन जिस तरह से मेकअप करके बैठी हुई है वो भी आप लोगों के सामने है, क्योंकि मुझे तो देख कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने रात को उसकी वीडियो देखी और मैंने कमेंट नहीं पढ़े आप लोगों के कि किसी ने इस बात पे तनकीद की है नहीं की है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ है। इसी वजह से मैंने आज सुबह सुबह ही उठकर ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वहाँ गई है तजियद के लिए। चलो जी, लोगों के सामने वहाँ पे गई है, लेकिन वहाँ पे तजियद के लिए गई है, वहाँ पर ये मॉडलिंग के लिए गई है, वहाँ पर इसका मेकअप शो, वहाँ पर इसका वो शूट हो रहा है दुल्हन का, और वहाँ पर ये बैठी हुई है तैयार होकर। शायद किसी के साथ इसने शर्त लगाई है कि मैं सबसे प्यारी नजर आऊंगी और मुझसे कोई और औरत बिल्कुल खूबसूरत ना लगे, क्योंकि मैं हूँ अहमद की बीवी। और उस अहमद की जो हर दिन लोगों को परेशान कर रहे, कसम से मेरी वाइफ, मैं कहती हूँ ना कि एक धागा लो, बाहर चले जाओ, वहाँ से कुछ तोड़ो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बाहर से तोड़ो, मैं किसी ऐसी मुकद्दस चीज़ का नाम नहीं ले रही हूँ, गांव से ही कोई चीज़ तोड़कर उसको उस धागे में परो और एक एक जो है ना वो करते जाओ, मेरी बेगम, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, वो बेगम साहबा के नाम की माला चबो, तब लोगों को पता चलेगा कि वाकई तुम बेगम से सच्चा प्यार करते हो। इसके अलावा जी, हर वीडियो में इस दिल में ओहो इस दिल में तीर हो गया पेवस्त, इस दिल में तीर हो गया, क्योंकि मेरे खून रस रहा है मेरे दिल से। मेरी बेगम साहिबा घर से चली गई अपने मायके, मुझ जैसे बच्चे को रोता बलकता हुआ छोड़ गई। बेगम बेगम, ऐसा करो अपना गर्बियान चाक करो अपने, और बिल्कुल हो जाओ, कमीज़ उतार दो और खेतों में चले जाओ, वहाँ पे तुम चीख चीख के रो और बोलो मेरी बेगम मेरी बेगम। लोगों ने मेरी बेगम को मुझसे जुदा कर दिया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जवान तुम्हारी बेटी आदि का। फिर आप लोग देखेंगे इनके बच्चे मिंडों सकिंडों में इनके ड्रामे का सत्यानाश कर देते हैं। ये ड्रामा है, राबिया कहीं भी नहीं गई है, वो अपने किसी उधर आगे पीछे बैठी हुई है। फिर इसने कहा कि मैं अब भी सारी रूम आपको दिखाता हूँ घर के, ठीक है, पहली बात तो ये नोट करें, मैं आप लोगों को सारे रूम दिखाता हूँ और आप लोग देख सकेंगे कि राबिया कहीं भी नहीं है। फिर कहीं भी नहीं गया बेचारा, किचन में भी नहीं गया है और अंदर अपने उस रूम में गया है, वहाँ से अक्सर देखो सोई हुई है। रात को जब बच्चे सोते हैं ना तो मोबाइल उसका सारी रात चलता रहा, उसकी बैटरी भी नहीं ख़त्म हुई, देखने वाली बात है। अक्सर सोई हुई है और वो उस बेड पे सोई हुई है और वो बेचारी भी सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि मोबाइल देखते देखते सो गई। इसने जब वो अर्जाई उठाई, आगे कंबल हटाया तो मोबाइल बेचारा बदकिस्मती से मिल गया इसको,
अब ये बंदा क्या और कह सकता था, यही कह सकता, देखें जी कार्टून देखती देखती मेरी बेटी सो गई है। क्या आप लोगों के अपने बच्चों पे जरा भी फोकस नहीं है, सिर्फ अपनी आप लैला मजनू मस्तियों में मस्त रहते हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कि अदी को पता था कि इसके घर में कोई औरत नहीं है, अगर औरत गई होती तो कोई भी औरत नहीं है, तो मेरा हक बनता था कि मैं उसका अदी कहा कि मैं जाऊँ सुबह सुबह में नाश्ता बना के, फिर मैं जहाँ भी जाना हो मैं चली जाऊँ। लेकिन अदी को पता था कि राबिया इधर ही है, राबिया कहीं भी नहीं गई है, चाहे बना रहा था कि हमें नहीं पता दिखाया गया कि चाय में इसने पत्ती डाली है, चीनी डाली है, क्या कुछ डाला है, मिर्च डाली है, नमक डाली है, मसाला डाला है, क्या क्या डाला है। इसके बाद जी चाय बन गई है और अहमद को देखें कि रोटी बेल रहा था, रोटी जो पहले वहाँ पे चपाती गई है तवे पर, उसकी आप कंडीशन देखें, वो इसने खुद पकाई जो लोगों के सामने, बाद में जो इसने बनाई है वो इसने नहीं बनाई है, वो राबिया ने बनाई है, क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था। अब कहता है लोगों को, कहता है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, हम बेवकूफ़ लोग हैं जो वीडियो के साथ लोग रहे हैं, जो तुम जब मर्जी दिल करता है कैमरे को स्किप कर देते हो, वीडियो को स्किप करके दोबारा से वो सीन हो जाता है, वो वाला डिलीट करके दूसरा लगा देते हो। इतने ही सच्चे थे ना, तो पूरी वीडियो बनाते ना, चपातियाँ पकाते हुए, पराठियाँ बनाते हुए, अहमद साहब अंकल, अहमद अंकल आप पूरी बनाते ना वीडियो जब आप बेल रहे थे रोटियाँ। लेकिन अफसोस के आप ना कर सके, तो फिर राबिया ने आपको धक्का लगाया और पीछे से आपको एक ज़ोरदार किस्म की लात रसीद की कि बहुत हो गया, हट जाओ अब ड्रामेबाज, जो तुम मेरा करते हो ना पता है सब लोगों को। क्योंकि जब ये हो गया था ना, राबिया ने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, वो क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन में चला गया, तब इसने मारा था राबिया को। इसके सारे गांव वालों ने गवाही दी थी कि इसने राबिया को मारा था। फिर राबिया को बोला था कि मैं अब तुम बोलोगे वो अहमद डिप्रेशन में चला गया था, उसने चीज़ें तोड़ी हैं, इसने बच्चों को भी मारा था, राबिया को भी मारा था, क्योंकि ये गुटखा का नशा करता है ये बंदा। और इसके बाद ही अब देखेंगे जब रोटियाँ बन गई, राबिया ने पका दी थी, आगे दे रहा था सबको, जब वीडियो कॉल कर रहा था तो आदिया किस तरह से हंस रही थी आप लोगों ने देखा, और अक्सा भी नहीं, बच्चे इतनी दूर माँ गई हुई है, वीडियो कॉल पे सुबह सुबह बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम मम्मा से बात करें, मम्मा को बताएं हमने क्या खाया, क्या किया, क्या हम करते रहे। लेकिन आप लोगों ने देखा, ये बंदा ज़बरदस्ती आदिया को कह रहा था जाओ राबिया को पूरा घर दिखाओ, राबिया एक एक चीज़ देखेगी, वो बहुत ज़्यादा नफसियाती है घर के बारे में। हाय हाय हाय, बहुत ही बुरी तरह से तेरा ड्रामा फ्लॉप हुआ है अहमद अंकल, बहुत बुरी तरह से लैला मजनू का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इस ड्रामे में तुम लोगों ने हकीकत का तो बहुत रंग भरा, लेकिन फ्लॉप। इसी के साथ जल जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़।